हमारी पृथ्वी समेत समस्त ब्रह्मांड मिस्ट्री से भरा हुआ है। ऐसे रहस्यमय क्षेत्र बरमुंडा का ट्रायंगल है। बरमुंडा ट्रायंगल, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि त्रिभुज के आकार का क्षेत्र। कहा जाता है कि इस एरिया से गुजरने वाले जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। शायद आपने ऐसी घटना हॉरर फिल्मों में देखा होगा कि कैसे शिप्स और प्लेन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। लेकिन ये घटना यदि रियलिटी में होने लगे तो इंसानों के रूह भी कांप उठेगी और फिर उस घटना को लेकर तरह तरह की मिस्ट्री बातें सामने आती है। ठीक इसी तरह बरमुंडा ट्रायंगल भी एक ऐसी जगह है जहाँ से गुजरने वाले शिप्स और प्लेन साथ ही इंसान समेत सभी गायब हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि जहाजों के गायब होने के बाद इनका मलबा भी नहीं मिलता और न ही गायब हुए इंसानों की डेड बॉडीज मिलती है, और इसी वजह से जन्म लेती है अलग अलग तरह की थ्योरी, जिनमें से कुछ पर यकीन करना बेहद ही आसान होता है तो कुछ पर यकीन करना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। बरमुंडा ट्रायंगल समुद्र का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। यह ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमुंडा आयरलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होती है। इस बनने वाली ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, यानी यह ट्रायंगल पाकिस्तान और टर्की से भी ज्यादा बड़ा है। इसको कभी बरमुंडा ट्रायंगल तो कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह ट्रायंगल अपनी मिस्ट्रीज घटना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहां से गुजरते वक्त शिप्स और प्लेन का कॉन्टैक्ट अपने बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अभी तक शिप्स और प्लेन का एक बहुत ही बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुका है। तो आखिर क्या समंदर के हिस्से में ताकतवर वोर्टेक्स पाया जाता है या फिर सी मॉन्स्टर और एलियंस का बसेरा है? आखिर बरमुंडा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो यह बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और न ही जहाज को। यहाँ पर होने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज का एक्चुअली रीजन वैज्ञानिक को आखिरकार मिल चुका है। इस रहस्यमय एरिया की जानकारी सबसे पहले साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया था। कोलंबस समुद्र के रास्ते से नई दुनिया की खोज पर निकले थे, तो ये बरमुंडा ट्रायंगल के नजदीक से होकर गुजरे थे। तो उस समय उनके साथ जो कुछ भी एबनॉर्मल घटना घटी उसका जिक्र उन्होंने अपनी एक किताब पे किया। उसके बाद से बरमुंडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री बन गई। हालांकि उस समय से बरमुंडा ट्रायंगल के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि उस समय से एरिया को द गेबियट ऑफ अटलांटिक, द सी ऑफ डू, सार्केसो गेबियट के नाम से जानते थे। लेकिन इस एरिया का नाम बरमुंडा ट्रायंगल सबसे पहले कैट हुडीस ने साल 1964 में दिया। साल 1964 में उन्होंने एक मैगजीन में एक लेख लिखा जिसका टाइटल द डेडली बरमुंडा ट्रायंगल था। इस लेख में उन्होंने बरमुंडा ट्रायंगल में घटित होने वाले रहस्यमय घटनाओं को एक दूसरे से उल्लेख करने की कोशिश की और इस मिस्ट्रीज प्लेस के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने इस लेख में बताया कि आखिर कुछ तो इस जगह पर रहस्यमय है जहाँ पर शिप्स और प्लेन अचानक गायब हो जाते हैं और जांच पड़ताल के दौरान भी वहाँ नहीं मिलती। हालांकि ऐसा नहीं है कि बरमुंडा ट्रायंगल में घटनाएं उसी समय से घटी हो। ये घटनाएं कोई सालों से घटी हो रही थी, पर लोगों के सामने बरमुंडा ट्रायंगल इस लेख के बाद से ही छा गया और उसके बाद से वैज्ञानिकों ने इस मिस्ट्री को सुलझाने में लग गए। ये घटना शुरू हुई 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बोम्बार एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। उस 5 जहाज में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमुंडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वो 5 टॉर्पीडो बोम्बार अचानक गायब हो गया, और वो भी एक साथ, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए कुछ ही महीने गुजरे थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद दुश्मनों ने उनके जहाजों को गिराया है और उनकी तलाश में और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया। लेकिन वो भी बरमुंडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही, और इस तरह ना ही कभी उन 5 बोम्बार एयरक्राफ्ट का और न ही रेस्क्यू जहाज का कभी पता चल सका। यही वो घटना था जिसके बाद से दुनिया भर में बरमुंडा ट्रायंगल ख्वाब के निगाह से देखा जाने लगा। लेकिन इस बात का मैं तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ भी हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती थी वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। 19 साल का ट्विन चर्च और डेविड रॉसाइड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर थे। अचानक इनको अपने बलित मौत की खबर मिली, तो इनको एक प्राइवेट जहाज में बैठकर अपना होम टाउन जाना था। अभी जहाज को बरमुंडा ट्रायंगल के समंदर के ऊपर पहुंचे सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने उनको बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिए गए। न ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था और न ही रेडियो काम कर रहा था और न ही उसको मालूम था कि इस वक्त वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से हमें ना तो कोई शिप नजर आ रही थी और न ही जमीन का छोटा सा हिस्सा, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रही थी। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वे बेहोश हो गए। लेकिन खुशकिस्मती थी कि जहाज के को पायलट भी मौजूद थे, जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया और कुछ ही घंटों में खौफनाक प्रवास
के बाद आखिरकार उनको जमीन नजर आ गया और जहाज को इमरजेंसी लैंड कर लिया गया। कई सालों बाद जब बरमुंडा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस वाक की वजह से मशहूर हुआ, तब इन भाइयों को पता चला कि ये खुद इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती थे कि ये बच गए। 2015 में एल्फोरा नाम का एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टोरिको जा रहा था, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गया। यूएसए कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने एक कॉम्बाइंड ऑपरेशन किया और पूरे एक महीने के सर्च के बाद एल्फोरा सतह समंदर से 15,000 फीट नीचे समंदर के बॉटम पर पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था, तब ऐसा लग रहा था कि जैसे शिप पानी में डूब चुका है और वो एल्फोरा से होने वाली आखिरी कांटेक्ट थी। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइन का जहाज फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हेवन पर लैंड करना था और इसी वजह से उनकी बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर पर रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। इसकी वजह से पायलट ने तुरंत जहाज का रूट बदल दिया और हेवन की बजाय डल्स एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कराकर 440 पैसेंजर की जान बचा दी। इस तरह से कोई इंसिडेंट्स बरमुंडा ट्रायंगल में अटूट पेश आ चुके हैं तो कोई इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए, इसकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है। लेकिन कोई इंसिडेंट्स ऐसे भी थे जो आज तक कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए। साल 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिनका नाम रॉक था, अपने लग्जरी यार्ट में मियामी बीच सैर पर निकला था। लेकिन थोड़ी देर बाद बीच गार्ड सुराग की कॉल आई और उसने बताया कि उसकी यार्ट किसी ठोस जगह पर टकरा गई। जब गार्ड्स वहां पर पहुंचे तो ना ही यार्ड्स मिली और ना ही ब्राक का कोई नामो निशान था। आखिर समंदर में कौन सी चीज से उसकी टक्कर हुई, ये राज बुराक के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमुंडा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े करने वाले मिस्ट्री हर नए वाक्य के बाद फिर से लोगों के दिलों में ताजा हो जाती है और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए वैज्ञानिक की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे सबूत तलाश किए हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद वाकई में ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में वैज्ञानिक का कहना है कि प्राकृतिक रूप से ऐसे ही है। दरअसल बरमुंडा ट्रायंगल के एरिया पर बहुत ज्यादा संख्या में ज्वालामुखी निकलती है, इसके कारण इस ट्रायंगल के एरिया पर मीथेन गैस ज्यादा मात्रा में प्रभावित होती है। मीथेन गैस पानी में मिक्स होने की वजह से पानी का घनत्व पूरी तरह से कम हो जाता है। इसी कारण से उस ट्रायंगल के एरिया में कोई भी चीज का तैर पाना नामुमकिन होता है। लेकिन जितने भी शिप्स बनाए जाते हैं वो सभी पानी के डेंसिटी के हिसाब से बनाए जाते हैं, इसीलिए बरमुंडा ट्रायंगल में शिप का डूबना स्वाभाविक है, क्योंकि ट्रायंगल के एरिया में पानी की डेंसिटी बहुत ही कम होती है जिसकी वजह से समुद्र जहाज आसानी से डूब जाते हैं। इसके अलावा ट्रायंगल एरिया के नजदीक काफी ऊंचे पहाड़ मौजूद है और जब हवाएं उस पहाड़ से टकराती है तो समुद्र में चक्रवात का निर्माण करती है। इस वजह से उस एरिया के नजदीक आने वाले मौसम में खराबी आने का अनुमान होने लगता है। लेकिन ये सभी घटनाएं अचानक से नहीं होती, बल्कि वहाँ चलती एयर ऐसे मौसम का निर्माण करती है। यही वजह से उस एरिया से जाने वाले जहाज को इस बात का अंदाजा होता है। लेकिन ये सभी एबनॉर्मल एक्टिविटीज कोई पुरानी है, पर जब से शिप और एरोप्लेन में मॉडिफिकेशन हुआ है तब से आज तक कोई भी शिप या प्लेन के गायब होने की घटनाएं नहीं के बराबर है। तो उम्मीद है कि आप बरमुंडा ट्रायंगल के रहस्य को समझ चुके होंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।